असीरगढ़ किले के अनसुलझे रहस्यों से उठेगा पर्दा। 5000 सालों से किले में मौजूद है अश्वत्थामा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक ऐसा किला मौजूद है जिसका सीधा संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा रोज किले में मौजूद शिवलिंग पर फूल चढ़ाने आते हैं। दरअसल मंदिर में एक शिवलिंग है जहां रोज सुबह ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो शिवलिंग पर ये फूल अश्वत्थामा ही चढ़ाते हैं। लोग जब सुबह यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं तो उन्हें पहले से ही फूल और गुलाल भगवान शिव पर चढ़ा मिलता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पिछले 5000 सालों से अश्वत्थामा इसी किले में मौजूद है। किले में मौजूद तालाब कभी नहीं सूखता। असीरगढ़ किले को कभी कोई लड़कर ना जीत सका। समुद्र तल से लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर सतपुड़ा की पहाड़ियों पर मौजूद असीरगढ़ का किला भारत के गौरवशाली अतीत को बयां करता है। ये किला जितना वैभवशाली है उतना ही इसका रहस्य भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है। इसी किले में एक तालाब भी है। कहते हैं कि गर्मी कितनी भी पड़ जाए लेकिन इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। कहा जाता है कि शिवलिंग पर फूल चढ़ाने से पहले अश्वत्थामा इसी तालाब में नहाते भी हैं और इसी कारण ये कभी नहीं सूखता। पौराणिक कहानियों की माने तो अश्वत्थामा का वजूद आज भी इस मंदिर में मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मौत का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ गई और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। इसी के चलते कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 सालों से अश्वत्थामा असीरगढ़ किले में भटक रहे हैं। अश्वत्थामा को लेकर इस इलाके में कई कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि जिसने भी किले में अश्वत्थामा को देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गई। असीरगढ़ के किले को अजय किला भी कहते हैं। अजय इसलिए क्योंकि आज तक इस किले को कोई भी शासक लड़के जीत नहीं पाया। ये किला अपने अंदर इतने रहस्यों को समेटे हुए है वो समय समय पर बाहर निकलते हैं। ASI की टीम इस किले का समय समय पर निरीक्षण करती रहती है। पुरातत्व विभाग को इस किले की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर एक खूबसूरत महल मिला था। जांच में सामने आया कि ये महल रानी के लिए बनवाया गया था। खुदाई के दौरान रानी महल में 20 गुप्त कमरों का पता चला। इसके अलावा 4 कमरों वाली जेल भी मिली थी। कहा जाता है कि 1375 ईस्वी से पहले इस किले पर अहीर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जिसका पशुपालन का काम था। इससे उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि आसपास के राजा महाराजा उससे कर्ज लिया करते थे। जब इस बात की खबर खानदेश के सुल्तान नसीर खान फारूकी को लगी तो उसने धोखे से किले पर अपना अधिकार जमा लिया। 200 साल तक फारूकी वंश यहाँ पर शासन करता रहा। 1601 में अकबर ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। कहते हैं कि 1800 तक आते आते इस किले पर मराठों का वर्चस्व हो गया और 1830 के आसपास इस पर सिंधिया परिवार ने अपना अधिकार कर लिया। 1857 तक ये अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। कहा जाता है कि अंग्रेज़ इसी किले में क्रांतिकारियों को कैद रखते थे और इसी किले में उन्हें फांसी दी जाती थी। पुरातत्व विभाग को किले के नीचे जो जेल मिली थी वो भी शायद अंग्रेज़ भारतीय कैदियों को रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिलहाल वक्त की मार ने इस किले को अब खंडहर में तब्दील कर दिया है। लेकिन इस खंडहर में आज भी अश्वत्थामा शिवलिंग की पूजा करने आते हैं और यही बात इस किले को बाकी किलों से अलग करती है।